नई दिल्ली का नाम सुनते ही देश की राजधानी दिल्ली की याद आ जाती है। यह एक ऐसी महानगरी है जहां विकास का सैलाब बहता है। लेकिन गंज बासुदा तहसील के अंतर्गत आने वाले हरदूखेड़ी पंचायत में बसा नई दिल्ली गांव, जिसमें करीब 500 से अधिक मजदूर परिवार निवास करते हैं, यहां निवास करने वाले लोगों को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधा और योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि यहाँ रहवासियों को सड़क, पानी, बिजली, कुटीर और शौचालय का लाभ तक नहीं मिला है। इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दे तो सभी लोग योजनाओं से वंचित हैं। इन सभी लोगों ने अपने और अपने परिवार के लिए सरकार से मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग की है। शहर से सटी पंचायत हरदूखेड़ी के पास नई दिल्ली गाँव के नाम से बस्ती है। इसमें रहने वाले अधिकांश लोग मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इन लोगों को सरकार से मिलने वाली कोई सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को कुटीर का लाभ मिला है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका नाम अभी तक कुटीर की सूची में नहीं आया है। इस क्षेत्र में बिजली के पोल खड़े हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगी, जिससे पूरी बस्ती में अंधेरा बना रहता है, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान रहते हैं। सड़क का नामो निशान तक नहीं है। रात को घर से मोबाइल के टार्च का सहारा लेकर निकलना पड़ता है। गांव में एक हेडपंप लगाया गया है, जिस पर से लोग पानी भरते हैं, लेकिन पानी भरने के दौरान भीड़ होने से आपस में विवाद की स्थिति भी बनती है। इसलिए मजबूरन लोगों ने पास के एक किसान से 200 रुपये प्रति घर के हिसाब से पानी लेते हैं। पानी लेने के लिए पाइपलाइन बिछा रखी है, लेकिन आने वाले गर्मी के सीजन में लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ता है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। दिल्ली के रिंकी नाम है जी। क्या परेशानी है गांव में? बस यही परेशानी है, गली ही नहीं है जी। और पानी भी नहीं है जी। बच्चे आने जाने में दिक्कत होती है जी। रास्ता में खेलते हैं, गाड़ी वाड़ी पत्थर भी उचट के घल जाते हैं जी। और ना इधर लाट है ऊपर खम्भों पे जी सर, अंधेरे में निकलते मोबाइल को जीते जी। क्या कहना चाहती हैं आप सरपंच? जब से कभी शिकायत की आपने इन समस्याओं को लेकर? जी खूब कहते हैं, कछु सुनते नहीं। आ जाएगा आपकी भेद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब कभी गांव में सरपंच साहब आए कभी समस्या सुनने? नहीं आ बेते हैं, सही आ जाते, कछु काम रहे थे जब आते। कुटी भी नहीं मिली जी? नहीं मिली। चलिए ठीक, थैंक यू। क्या परेशानी? पानी की परेशानी है। क्यों, पानी की समस्या कैसी है? यहाँ नल नहीं आते, हेडपंप नहीं है, क्या कुछ ना नल है ना हेडपंप कुछ नहीं है। फिर कहाँ से लाती हैं आप पानी? पानी किराए से लेते हैं। कितने रुपए महीना लेती हैं? 200 रुपए महीना। कुटी बनी, कुटी वगैरह मिली आपको? अभी नहीं मिली। नहीं मिली। आपने कोई आवेदन दिया सचिव सरपंच से? कहा खुद सरपंच से ही बोली, सचिव से सबसे बोली, कोई ने कोई कुछ नहीं किया? अभी कुछ नहीं की। अच्छा, ऐसे में रोड नहीं है, बच्चे कैसे खेलते होंगे, कैसे जाते होंगे? कीचड़ में खींचते हैं, कीचड़ में छोड़ भी जाते हैं कंजा टांग टांग के। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है बच्चों के संग। कुशवा ना पानी की है, ना लाड व्यवस्था है ढंग से जी। और ना रोड है, और ना अपने कुटी मुटी की कुछ व्यवस्था है, ना शौचालय की है। अभी आवेदन किया है कुटीर के लिए सरपंच से? अरे सरपंच से भी, सचिव से भी, 50 कोई नहीं सुनता है। कितने गांव की, कितने लोगों की बस्ती हुई, कितने परिवार रहते हैं? 500 परिवार, कम से कम 500 घर की बस्ती। अच्छा, कुटी के लिए आवेदन किया आपने? अरे कई बार कर दिया किया, फिर क्यों नहीं आई अभी तक, पता लगा? नहीं, कोई पता नहीं। पानी की समस्या भी है, ऐसे में पानी आप कहाँ से लाते हैं? ये ट्यूबवेल लगा है दादा को। हाँ जी, दादा का खेत में ट्यूबवेल लगा है, इसमें मोटर आती है, बस उससे ही पानी लेते हैं अपन किराए से। कितने रुपए देना पड़ता है आपको? 200 रुपये। 200 रुपये महीना? हाँ ठीक है। और कोई योजनाओं का लाभ? राशन कार्ड वगैरह? हाँ राशन कार्ड है। क्या लाभ मिलता है उससे? वही राशन पानी मिलता है, और क्या। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।